वेलकम टू अनदर ब्लॉक ऑफ ट्रैवल रेडियो। तो ये वीडियो हमारे कोस्टल राइड की ही है। तो दीव से आते वक्त हमने वेलवदा नेशनल पार्क भी कवर किया था। वेलवदा नेशनल पार्क अहमदाबाद से अराउंड 150 किलोमीटर है। ये काले हिरन या ब्लैक बक के लिए फेमस है एंड भावनगर डिस्ट्रिक्ट में आता है। आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा ओपन ग्रास लैंड है जो कि ब्लैक बक की पॉपुलेशन बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है। एंड आपको रोड से ही ब्लैक बक ईजली दिख सकते हैं। आपको अंदर सफारी में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप सफारी करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन है। यहाँ पे अराउंड आप अपनी गाड़ी से सफारी कर सकते हैं। आपको गाइड रखना पड़ेगा या फिर यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की भी एजेंसी रहती है, वो यूज़ कर सकते हैं। चार्जेज अराउंड 1500 to 2000 रुपीज रहता है। एंड अपार्ट फ्रॉम ब्लैक बक यहाँ पे आपको बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स दिखते हैं। और किस्मत अच्छी रही आपकी तो यहाँ पे आपको इंडियन हाइना भी दिखेगा, जिसको हिंदी में लकड़बग्घा भी कहते हैं। देन यहाँ पे कुछ फॉक्स भी रहते हैं, बट दे लिव इनसाइड द ग्रासलैंड्स, तो वो आपको रोड पे नहीं मिलेंगे। बट ये जो रोड जा रही है, ये वेलवदा गांव को मेन हाईवे से कनेक्ट करती है। तो इस हाईवे पे भी आपको बहुत सारे हिरन दिख सकते हैं आसपास में ही। किस्मत कभी कभी होता है कि आपको रोड क्रॉस करते दिख जाएंगे हिरन। सो बिकॉज ये फॉरेस्ट एरिया के अंडर में आता है, तो यहाँ पे बहुत ध्यान से राइड या ड्राइव करना होता है। अगर आपने किसी जानवर को बाहर पहुँचाया तो इट कुड बी अ पनिशेबल ऑफेंस, सो दैट वी हैव टू टेक केयर। अहमदाबाद से ये 157 किलोमीटर है एज आई टोल्ड। सो एक वन डे पिकनिक स्पॉट बन सकता है बहुत अच्छे से। आई मीन यहीं पास में सहारनपुर भी है, हनुमान जी का मंदिर है। तो अगर आप अहमदाबाद चाहें तो सहारनपुर, हनुमान मंदिर और वेलवदा एक दिन में कवर कर सकते हैं। दिख रहे उधर भी है, देख ब्लैक बक हमें दिख तो रहे थे पर वो बहुत दूर थे, तो हम आगे बढ़ रहे थे। फॉर्चुनेटली हमें एक ब्लैक बक और उसका बच्चा रोड क्रॉस करते दिखा तो सही, बट जैसे ही हम उसके पास पहुँचे वो दोनों हमको देख के डर गए एंड वापस जंगल में भाग गए। बट इट वॉज अ गुड साइटिंग एंड देन वी कंटिन्यूड अहेड। ये जो रूट है ये एक्चुअली विलेजेस के लिए बनाया गया है, जो कि वेलवदा गांव को मेन हाईवे से कनेक्ट करता है। सो इस रूट पे आपको ज़्यादा देर रुकना अलाउड है नहीं। तो अगर आप रुकते हुए तो इतना इंश्योर कीजिए कि जल्द से जल्द देखिए, फ़ोटो लेने लीजिए और चल दीजिए। ज़्यादा टाइम स्पेंड करना यहाँ पर अलाउड नहीं है। प्लस आपको जो लोकल्स हैं
उनका भी ध्यान रखना चाहिए इफ दे आर ओके विद दैट और नॉट। तो एक जगह हमें ऐसी मिली जहाँ पे हमें ब्लैक पक्षी देखने को मिले एंड लकीली वहाँ पे फ्लेमिंगोज भी थे। ये थोड़ा सा वेटलैंड टाइप का एरिया पैच था तो हमें अच्छी साइडिंग हुई ब्लैक पक्षी एंड फ्लेमिंगोज की एज अ बोनस एंड वी रिकॉर्डेड देम एंड वी कंटिन्यूड अहेड ऑन आवर जर्नी बैक टू अहमदाबाद।